लेकर आई। अरे तुम तो बच्चे आवे सहारे जहां का तो कोई बुला के ले जा हले घर में बैठा लिए। एक काम करो हमारा मोहल्ला छोड़ के जाओ। ऐसी रंडी अगर हमारे मोहल्ला में रही है तो हमारा मोहल्ला बर्बाद है। यहाँ क्या करने हर जाइन के तय हमारे पास हो ये रंडी मुझे तो लग रहा है कि तुम लोग रंडी हो। इंस्पेक्टर बाबू देखो जवान संभार के बात के हो नहीं अंजाम अच्छा ना हो इतना समझ लो। एक बार बताओ या तुम्हारा का लागे तो तुम कहा कभी हम दर्दे रखा हुआ था ये मेरी कौन है। हाँ यही तो ना मोहल्लम रंडी ले हो तो अच्छा लगी। तो तुम लोग ये जानना चाहती हो कि ये हमारी होती कौन है। हाँ ये बताओ तुम्हारा बहु को लागे तो तुम लाग बैठा घुमा बताओ। ठीक है अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये हमारी होती कौन है। तुम्हारी मुआवजा में एक खादा रवत्ता समझ ले। मैंने जो किया है बहुत ही सोच समझ के ये फैसला किया है और मैंने जो किया है इस बात से इन लोगों का हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा। अब तुम लोगों को मालूम हुआ कि ये हमारी होती कौन है। अरे इंस्पेक्टर बाबू जब हमको बदन का माफ कर दियो। अरे पता नहीं जा रहे अगर यह इतना करके लोग तो हम पता का ही जाने पड़े। अगर तुम्हें माफी मांगना है तो चंदा से माफी मांगो। आई भी किया देखा तुमका जौन कुछ कहे हमारी पत्नी के वातन का तुम बुरा न मानो और हमका वजन का माफ कर दे बेटिया। हम बच्चे अनजाने में पता नहीं का कहे। हां दीदी बुरा न मानो। ठीक है रेनो रेनो आप लोग जाइए। हमने आप लोगों को माफ किया लेकिन आज के बाद किसी औरत के साथ ऐसा सलूक मत करना। लाहे बिटिया अरे आप हमेशा वजन से अनजान जौन कुछ होएगा हम हाथ जोड़ के माफी मांगे थे बिटिया। हम तो माफ कर दियो आप लोग चाहिए अब कौनो चीज का जरूरत पड़े तुम बताओ हम तुरंत हमारे पास घर का चले आए। ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकती हो। चंदा साहब मुझे आज से तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। आज से तुम हमारी धर्म पत्नी हो और तुम्हारी साथ क्या हुआ इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। नहीं साहब। ठीक है चंदा आज से तुम मेरे साथ मेरी अंधार नहीं बनकर होगी आमने सामने। हमने सुना है हराम ज्यादा डीबी गियन महिला आश्रम जा रहा है महिलाओं का उद्धार करने के लिए। आज ऐसा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह बर्बाद हो जाए तबाह हो जाए महिलाओं की निगाहों से गिर जाए। इसके लिए हमें चलना है उस हरामजादे हवलदार के पास। चलिए तदाक आज वो हमारा काम करेगा अन्यथा हम उसके बेटे को अपनी हिरासत में लेंगे शादी को। और हमारे साथ बोलो चलो
मंत्री जी, हम सोचे तुमने हमारी बहुत सेवा किया है, क्यों नहीं तुम्हारा प्रमोशन करवा दिया जाए। कबले, अरे एक थोड़ा सा काम बचा है, वो काम हो जाने दो। हमने बहुत बड़ा आश्रम बनवाया है, इसमें बेसहारा औरतों को सहारा मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, इसलिए उस आश्रम का आज उद्घाटन है। हमको उस आश्रम का उद्घाटन करने जाना है। ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी हमने वहीं पे लगवा दिया है। ठीक है, कोई बाहर से आदमी अंदर ना आने पाए और अंदर का आदमी कोई बाहर ना जाने पाए। बहुत अच्छी बात है, हम चल रहे हैं और तुम जल्दी आने की कोशिश। हम टाइम से आ जाएंगे, हम चल रहे हैं। चलिए, बढ़ जाए, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? महिला आश्रम, महिला आश्रम, महिलाओं का उद्धार करेंगे। मंत्री जी उद्धार करेंगे, हम केवल हमारी ड्यूटी लगी हुई है। देख, हमने तेरे बेटों को अपने हिदायत में कर लिया है, और अगर मेरा कहना करेगा तो तेरे बेटे को हम वापस कर देंगे, अगर मेरा कहना नहीं किया तो तेरे बेटे को मारकर हम उसकी लाश तेरे हवाले कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, जो कुछ कहोगे वो ही करेंगे। करेगा? हाँ, शेरा वो पुड़िया दोषी इका का करे, इस पुड़िया में ऐसी दा कि जिसे वो मंत्री पिएगा तो साला पागल हो जाएगा, और ये पुड़िया तुझे किसी भी तरह से उस मंत्री जी को पियाना है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं किया तो सोच ले कि तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा। ठीक है यार, बड़ी समस्या वाली बात है। अब दो तरह से, इधर से नहीं करे तो नहीं बना, तो उधर से करे तो नहीं बना। ठीक है, सब जब पुड़िया उनका दे पिया फिर देखा जाए। आश्रम बन के तैयार हो गया है, आज हमारे इस आश्रम का उद्घाटन है, और सत्रह अभी हवलदार नहीं आया, कितनी देर से बुला रहा हूं कि जल्दी आना। खैर, मतलब आगे मंत्री जी, हम टाइम के अनुसार, और बहुत एक अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। खुशखबरी? हाँ, क्या है? तो देखो, हमारी मेहरेवा को नाश्ता पानी के लिए तुम्हारे लिए भेजी थी। क्या है? अरे वहाँ नमकीन, नमकीन वहाँ है। ये नमकीन है? नमकीन नहीं, मीठा शरबत, शरबत, शरबत है, फर्स्ट क्लास नंबर एक का शरबत। अरे यार, हम शरबत क्यों पियेंगे? अरे बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए भेजी थी। हाँ, ये बात तुमने सच कहा। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, तुम्हारी बेटी हमारी बहुत सेवा करती है। आओ का कहा न करी, आप तुम्हारे घर का जाई का, तुम रणवई परी हो बही। अरे कोई बात नहीं यार, तो इसको हम पियेंगे। हाँ लियो, ऐसा करते, थोड़ा तुम पी लो, थोड़ा हम पी लो। हम तो डेढ़ लोटिया पी के बच्चे लेने नहीं पियोगे? हाँ तुम पियो, हम पी के आना घर से। मंत्री जी, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे महिला आश्रम पे आए, तो आप अपने मुख से कुछ हम महिलाओं के उद्धार में कुछ कहिए। मैं जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना। अरे मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पतरी दी Thank you.
गया। अगर एक बार प्यार से जिंदा जी कह दे चलाओ ननलो के बन ले जान ले लो नजान ऐसे तीर चला ले दिल से अरे बाबू जी हम लोग मर गए। धीरे धीरे बोल कोई सुनना हमको क्या हो गया ना देखा तो नहीं शुक्ला जी ये हमको क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया ऐसा करो हमको बंगले तक पहुंचा दो भैया हम बंगला कब तो नहीं जा पाए लगा बंगला दिमाग खराब हो गया बहुत ज्यादा नहीं चलो रास्ता दिखाई नहीं पड़ रही किधर चले तुम आ गया इधर 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 आवाज हम करेंगे उस हरामजादे गुरी देवी के भाई को मारेंगे जागीरा को क्योंकि जागीरा
उसका दाहिना अंग है। हम उसे मार कर उसकी ताकत खत्म करेंगे पहले। आज वो नहीं बचेगा साला। और हमारे साथ छोड़ो। एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो। हमारा डर है ना, और इस बार सब लोग हमारे भाई को वोट दीजिए। हमारे भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। क्योंकि तुम लोगों ने बात उठाई है, पुरानी दुश्मनी तुम लोगों ने उस नाम बनी है गुंडा राज। बहुत मजा आ रहा तुम लोगों को। मैं मारा जा रहा है, कर रहे हो? जानता मैं कितना बड़ा कमीना हूँ, मैं गिन नहीं सकता हूँ कितने खून कर चुका हूँ। इस बार तुम लोग जो हाथ रहे हो ना, उतना खून खोल रहा हूँ। तुम्हारे तरह धुनौली में आग लगवा दूंगा। आग लगवाएगा हराम दादे के हाथ से आग लगाएगा। आग नहीं लगाएगा बल्कि आज तू इस दुनिया से उठ जाएगा, क्योंकि आज तुझे मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकेगा। नहीं बचाओ मेरे बाप। तुम तो नजरों में गड़ चुके हो, गड़ गए हमारी नजरों में। टांगे फाड़ डालूंगा तुम्हारी। तेरा अंत आ गया हराम जादे। मुझे मत मार, मैं अपने भाई के लगकर की तैयारी में जुटा हूँ। अब ऊपर जा और वहाँ जाकर तैयारी बना। अरे वहाँ मुझे नहीं जाना है। ये ले हराम जादे। मर गया शाला। शेरा सरदार एक पत्र लिखो। बोलिए सरदार। ओ कमीने डिवीजन, ओ कमीने डिवीजन, तेरे भाई जागीरा को हमने खत्म कर दिया। तेरे भाई जागीरा को हमने खत्म कर दिया। अब बता सकता है तो अपने भाई राणा ठाकुर को बचा। अब बता सकता है तो अपने भाई राणा ठाकुर को बचा। दुनिया की कोई ताकत